मैं अपनी शरणांजलि श्री देव सुमन तुए भेंट कर दो। तेरी का वीर सपूत श्रीदेव सुमन आपते हमारू सशक्त मन। आपको बलिदान हम तेरी वासी कभी भूल ही नहीं सकते। राजशाही के खिलाफ वो लड़ाई जी के खातर आपन अपनी प्राणों की बाजी देनी और 84 दिन तक आप जेल में रहे हैं, क्या क्या यातना दिन वो हम सब लोग पढ़ दो और देख दो नाटक का माध्यम से। अंत में आपते भूसे की रोटी माँ कांच पीसी पीसी तय मिले एक दिनी और आप शहीद वेगन तगड़ो। आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में जूचा श्रीदेव सुमन तय याद करे जाऊं तू। मेरे दगड़ में आज एक दीदी बैठे छन और आज मैं आपसे यू का बारे में बतौलू। यू का पिताजी ने भी 14 महीने तक जूचा कारागार में रहन और वही लड़ाई में शामिल रहन। जो को प्रमाण ये कागज के टुकड़ू छा दगड़ो यो तो मिल एक ताम्र पत्र वे का बदला मां बताई जाऊं तो कि वो ताम्र पत्र जो छा तीर जमा होगी तो जमा होगी तो वे का बदला सर्टिफिकेट मिली छा। ये तो मैं आप तक दिखो लू तो योग पिता ने भी 14 महीने तक कारागार में रहन वही लड़ाई में शामिल रहन। तो पहले तो मैं चाहूँ आप अपने परिचय देवन आइए पर लिखू क्या से आप तक जरा पढ़े सुनाऊ तब आप। मैं सबसे पहले श्रीदेव सुमन जी तय अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। मैं श्रीमती हेमलता पैनुली अमोला स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पैनुल जी की सुपुत्री छो ग्राम लिखवार गांव पट्टी बदोरा ये हम प्रमाण पत्र 1973 में मिले थे जब मेरे पिताजी 1971 में खत्म हुई था या तो वहां के बाद मेरी माँ जी तय पेंशन मिली तो वे समय प्रमाण पत्र मिलते ये माँ प्रमाणित किया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पैंडली पुत्र मणिराम ग्राम लिखवार गांव पट्टी भदोरा टिहरी गढ़वाल ID A21G के अधीन 2/11/42 से 21/12/43 तक टिहरी कारागार में बंदी रहे। भाइयों मेरे पिताजी 14 महीने तक टिहरी कारागार मारा श्रीदेव सुमन जी का दगड़ माराया बहुत सी तानाशाहियों का साधना हुई लोहे की छड़ियों के पेट हमसे जब हम जाके था पर पिताजी पेट मारते लोहे की छड़ियों से मार पेट हुई थे यो है भूसे की रोटी और वे माँ कहाँ चर केड़ा पीछे पीछे थे खिलाए जान था या यही वही देखी थे यो का दगड़ा माँ यो का साथी बहुत था या खुशाल सिंह रांगार नचा सिंह कश्यप एक बुटोला जी था या राम स्वरूप रतूड़ी परपूर्णानंद पैनुली बहुत सारे लोग मतलब हमारा प्रताप नगर का ही बहुत सारे लोग था या जो श्रीदेव सुमन जी का दगड़मा पर श्रीदेव सुमन जी ये तानाशाही का सबसे पहले नायक बना जन क्रांति सबसे पहले उन्होंने लाई। श्रीदेव सुमन जी भी बहुत छोटा था या 1915 मायों को जन्म हुए था यो को जन्म श्री हरिदत्त बडोनियों का पिताजी था या श्रीमती तारा बडोनियों की माता जी था पटी बमुंड जोल गाँव का ये रणवावा था या तो बहुत छोटी उम्र मायों जब यो देहरादून कॉलेज सहकान लगे तो वही टाइम पर देखे की हमारा दगड़मा कितके तानाशाही वर लगे तो ये न तानाशाही पर पंत जी से जवाहरलाल जी से और भगत सिंह जी से यो बहुत कुछ सीखे यो का दगड़ मा यो काफी प्रोत्साहन मिली से तब जाके उन्हें बेड़ा उठाई यो का दगड़ मा हमारे पिताजी लोग भी काफी रहा। श्रीदेव सुमन जी के साथ कोई नहीं बोल सकते किले क्योंकि जब नई नई शादी हुई थे क्योंकि धर्मपत्नी सुधा था यो तो ये वही बेचारे ने भैया ने बोले कि तुम अपना कर्तव्य पथ पर पिछले ना हटे कोई बात नहीं साथ ये जन्म क्या अगला जन्म में भी हम तो साथ रहोला पर आपने जो बेड़ा उठाई ये सही आप बहुत कम औरतें नहीं मिलती और आज के समाज में तो खैर छह नहीं कोई ये वजह से श्रीदेव सुमन जी ना बहुत सारी शहादत करी यो का दगड़ में हमारे पिताजी पूरे 14 महीने रहे 3 महीने फिर जेल से छोड़ना बाद 3 महीने नजरबंद रहता है वो हमारे खास बेटे का कामेश्वर जी था या और एक हमारे कामेश्वर कंडयाल जी कंडयाल जी कामेश्वर कंडयाल और एक मोर सिंह राणा जी था या धारकोट का। तो ये 3 महीने माँ महीने दिन माँ एक बार बोलो था वो इतने दाढ़ी बनाने थे वो इतने नाखून काटने था या और बिल्कुल 24 घंटा नजर बंद मतलब आँख की पुतली तक नहीं झपकोर थे
तो बहुत बड़ी बड़ी शहादत तो मतलब मैं समझ नहीं मतलब नजरबंद को मतलब नजरबंद को मतलब जब मैंने माई एक बार बोला होगा अच्छा तो बिल्कुल तो सामने अपने आंखों को पोतली जाने जब कौन ताकि मुंह धोन तो नाखून कटो तो कि दाढ़ी बनाओ फिर एक महीना तक कुछ नहीं कर दाढ़ी नहीं बनो नाखून नहीं कटो बनो कुछ नहीं कर मतलब नजर बंद है नजर तय टाइम पर बोल दू तो बहुत अत्याचार लोगों ने करी बहुत तानाशाही लोगों का झगड़ा माँ हुई तो मेरे पिताजी श्रीदेव सुमन पर एक कविता भी लिखी थी 1965 में उन्होंने एक कविता आप लोग कितने भाई बहन हम चार भाई पांच भाई बहन है पर भाई मेरे गुमशुदा हुई हो वैसे 35 साल हो गए पर चार बहनी हम मैं पिछले वाली आशा आशा कुड़िया वाला दिल्ली में रहनी फिर वही का पिछले वाली भानी वाला रहनी बीना माम गाई वही गवर्नमेंट टीचर रहे आप रिटायर हुएगी और सबसे छोटी वाली बोली मेरी देर दौड़ महारानी बीमा चमोली तो अपना आप में खुद टीचर है सरकारी टीचर सब 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 संपन्न आप भी जमाना पढ़ा लिखा होगा ना हाँ मैंने भी टाइम पर बीए करी बीए कई साल में जी 78 में 78 में मैंने बीए करी 79 में मेरी शादी हुई थी हम भी तो मेरी माता माँ जी को मेरे पिताजी दूसरे ये भी रहे कि मेरे पिताजी को ये रहे कि कन्या बिक रहे और बलि पर था नशा मुक्ति हमारे गुरु जी था श्री विद्या दत्ता जोड़ी जी यो मेरे पिताजी ने बहुत बेड़ा उठाया था बहुत अग्नि उठाए वहां के बाद हम लोगों पिताजी के जब 71 माह की डेथ हुई जी मैं लम कॉलेज में आए तो हम लोगों ने भी उनका दायरा में बहुत गया इंद्रमणि बडोनी जी का दायरा में आज दुख भी हूँ इंद्रमणि बडोनी जी ने भी बहुत वो करी कि शराब बंदी करावा कन्या विक्रय करावा बलि प्रथा करावा तो कन्या विक्रय चल खैर खत्म हुई हमको उल्टो विक्रय लगी और पर ये शराब बंदी को तो बहुत ही खराब हुए ये तो बहुत ही ज्यादा प्रचलन हुई ये आपने ये आप चार बैठे हैं आपने कुछ मिल आज सरकार की तरफ से मिल दी 1000 पेंशन मिल जाए हमें चार बैठे आज ही मिल हमसे मिल दी 1000 पेंशन मिल दी तो हम लोग खुश हैं मतलब अरे श्रीदेव सुमन जी ये आवाज तो इठोंदा राजशाही के खिलाफ की हम भी पढ़ने चाहो हम तो पढ़ने जवाब मतलब राजशाही के खिलाफ आवाज उठोदा तो शायद आप भी वही जमाने बीए नहीं करता 1978 नहीं करता बीए क्या वही टाइम पर लड़के से पढ़ोगे नहीं चाहिए हालांकि हमारे गाँव में था हमसे पहले भी पढ़ी लिखी थे हमारे दीदी लोग टीचर थे वो टाइम की आठवां कहीं आठवां कर दो कहीं दसवां कर दो वो टाइम पर जीटीसी चलते थे बीए सबसे पहले मैंने कर था अपने इलाका में बीए सबसे पहले मैंने कर था यो और यो कि मेरे पिताजी भी रहे जब मरे भी तो वो टाइम पर भी तो लास्ट थे कि नौ नौ जब तक यो साथ न बोलियो कि स्कूल न छोड़ो कि मेरे सबसे पहले झंडा उठाई हूँ कि नौ अनपढ़ नहीं रखना जब नौ नौ से पढ़ो जरूर मैं अपनी श्रद्धांजलि श्री देव सुमन तुए भेंट कर दो गाम जोन का दगड़ा तुए तय सांस बेर परिणाम कर दो नीति अनीति वे गे जब से तब तुए न अवतार लेने अत्याचारी मिटोनक तय चुन पर जा मंडल संस्था चुने नांगा भूखा कंगलो सी थो यो कालो को जगो समाज रोध भी व्यांदा था मन ही माँ खोल नि सकदा था आवाज।